हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IMPS बॉलिड नंबर क्या होता है, IMPS जो कि किस तरीके से काम करता है, इसी के साथ में ये बैंक अकाउंट नंबर क्या होता है और इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। एक्चुअली में ये आपका बॉलिड नंबर होता है, ये बना हुआ नहीं होता है, ये आपको बनाना ही पड़ता है। अब ये किस तरीके से आपको बनाना पड़ता है और इसका आखिर यूज किस तरीके से हम करते हैं और इसका यूज ज़्यादातर कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जो कि आपको बता दूं, IMPS जो कि इंडिया में अलाउ है और इसे आप इंडिया के ही अंदर यूज कर सकते हैं, इससे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब इससे पैसे ट्रांसफ़र को लेकर जैसे कि गेमिंग हंगी जो कि एप्लीकेशन, उनमें भी ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप IMPS वॉलेट के जो नंबर है वो डालिएगा, इसी के साथ में IMPS बैंक अकाउंट नंबर है वो डालिएगा, ठीक है, तब आप यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IFSC कोड के बारे में तो सभी को पता ही है, और नहीं पता है तो चलिए मैं आपको इसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को एक लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम IMPS वॉलेट नंबर, ये आपको बनाना होता है। अब ये बनाना किस तरीके से होता है, जैसे कि जो आपका बैंक खाते में जो भी आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है, जो कि आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, तो उसके आगे आपको एक जीरो लगाना पड़ता है ताकि आपका जो 10 अंकों का नंबर है मोबाइल नंबर, और इसी के साथ में आप एक जीरो लगा देते हैं तो वो आपके अंक हो जाते हैं 11, ठीक है। तो जो 11 अंकों का IMPS वॉलेट नंबर होता है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना होता है, ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर नेम्स मिल जाता है, जो कि आपको जो भी बैंक में आपका नेम है वो आपको यहाँ पर नेम डालना होगा। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है IMPS, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं IMPS जो कि बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये आपका वो नंबर होता है जो कि आपका बैंक खाता होता है, तो वो ही आपका IMPS बैंक अकाउंट नंबर होता है, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है IFSC कोड, ठीक है, जो कि आपको आपकी ब्रांच कोड होता है, यानी कि जो ब्रांच जहाँ पर स्थित है, जो भी आपकी बैंक जहाँ पर स्थित है, तो उसी का ही एक IFSC कोड होता है, तो वो कोड आपका ब्रांच का होता है, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में अब आप यहाँ पर जितने पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, उसके बाद में कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहां पर IMPS वॉलेट नंबर बना सकते हैं, इसी के साथ में IMPS बैंक अकाउंट नंबर का, आप जो कि बैंक अकाउंट नंबर है वो तो आपका सेम ही रहता है, ठीक है। तो आपको यहां पर किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियोस में आपने जाना कि आखिर IMPS वॉलेट नंबर क्या होता है और IMPS बैंक अकाउंट नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो आपके कमेंट्स आए थे मेरे पास इस तरीके के कि आखिर IMPS वॉलेट नंबर किस तरीके से बनाएं, तो दोस्तों जो कि इस वीडियोस में आपके जो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में IMPS वॉलेट नंबर इसी तरीके से आप बना सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर वॉलेट नंबर की जगह आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर वही डालना होता है जो कि बैंक में अटैच होता है, ठीक है। तो जो मोबाइल नंबर लगा आप डालते हैं उसी के आगे आपको सिर्फ जीरो लगाना होता है। तो इस तरीके से आप जो IMPS वॉलेट नंबर है वो बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।